हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मूंग दाल हलवा बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। वैसे तो दाल को भिगोकर हलवा बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे इंस्टेंट बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कप मूंग की दाल ली है, एक कप चीनी ली है, एक कप ही हम घी लेंगे। घी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3-4 इलायची ले ली है। इलायची का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े काजू बादाम और किशमिश ले ली है, और 1/2 लीटर दूध लिया है। देखिए दूध के अंदर मलाई भी है। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। अब दाल को हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। आप कपड़े से पोंछकर भी दाल को साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा धोकर ही लूँगी। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम दाल को अच्छे से धो लेंगे। हम यहाँ पर दाल को भिगोकर नहीं रख रहे हैं, सिर्फ साफ़ पानी से दाल को धो रहे हैं। देखिए दाल को मैंने धो लिया है। अब साफ़ कपड़े के ऊपर दाल को फैला देंगे। 5 से 10 मिनट में दाल ऊपर से अच्छे से सूख जाएगी। इसका पानी जो है हाथों से बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए दाल सूख गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। इसके बाद हम दाल को पैन में डालकर रोस्ट करेंगे। देखिए हम इसे पैन में डालकर हल्का हल्का रोस्ट कर रहे हैं, बस इसका पानी सूख जाए। देखिए दाल का पानी सूख चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है। दाल पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे। देखिए मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है। अब दाल को हम पीस लेंगे। दाल को मैंने हल्का दरदरा ही पीसा है। देखिए बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाया है। अब गैस पे मैंने पैन रख लिया है। इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल लिया है। अब पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून सूजी डालेंगे। सूजी डालने से दाल पैन को बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। सभी हलवाई ऐसा ही करते हैं। देखिए सूजी भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर जो दाल हमने पीस कर रखी है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए अब मैंने 1 चम्मच घी का और डाल दिया है। हम घी थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर डालेंगे। हमें दाल को तब तक भूनना है जब तक दाल का थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। देखिए दाल का कलर चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। गैस का फ्लेम इस टाइम पे मैंने लो ही रखा है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी भी डाल देंगे। थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पे केसर के धागे डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा घी डालकर हम हलवे को अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हलवा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी इलायची को क्रश करके डाल दिया है। चीनी डालते ही हलवा फिर से पतला होना शुरू हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा घी मैंने फिर से डाल दिया है। इस तरह से करते हुए हमें हलवे को बहुत ही अच्छे से भूनना है। देखिए हलवा काफ़ी थिक हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन अभी हमें हलवे को और पकाना है, जब तक ये अच्छे से घी ना छोड़ दे। जब जब आपको लगे कि हलवा पैन के साथ चिपक रहा है, आप थोड़ा सा घी डाल दें और फिर से पकाएं। अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये घी छोड़ देगा। देखिए हलवे ने घी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है पैन के साथ। हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हलवा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि हलवे ने घी को कैसे छोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि हमने हलवे को अच्छे से पकाया है।
बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि मूंग दाल के हलवे को बनाते वक्त गैस का फ्लेम लो रखें और ये लो फ्लेम पे ही पकाया जाता है। इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन घर में बनाना इसको इतना भी मुश्किल नहीं है।